दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास इस वक्त HP बैग है, तो इसका आज मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ। ये मैंने 409 रुपये का मंगाया हूँ फ्लिपकार्ट से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये बैग वर्थ इट है, 409 रुपये के हिसाब से कैसा है ये। सबसे पहले आप यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बैग का जो हाइट है वो 18 इंच है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा, अगर आप पहनोगे तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा सूट करता है ये। इसकी मटेरियल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर की, तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, फिर भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे जो डिसअपॉइंट इसकी जो बात लगी है ना, वो पीछे की जो यहाँ पर टांगने वाली है काफ़ी वीक है। तो अगर आप इसे काफ़ी वज़न अगर आप इसमें कैरी करोगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम देगा, मेरे को लगता है इसमें ज़्यादा वज़न आप डाल नहीं सकते। यहाँ पर एक चेन है इसका और पीछे की तरफ एक चेन है। यहाँ पर आपको एक पॉकेट मिलता है जो कि यूज़लेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये दिखेगा कि नहीं वो पता नहीं, ये जो पॉकेट्स है ना, ये काफ़ी यूज़लेस पॉकेट मेरे को लगा। मतलब ठीक ठाक पॉकेट है, फिर भी छोटा सा है, काम चल जाएगा। और दूसरे साइड आपको एक टांगने के लिए, आपको मालूम है ना, फाइल टांगने जैसा आपको एक जगह मिलता है। तो अब टोटल दो, यहाँ पर बॉटल रखने के लिए आपको दो मिलते हैं, यहाँ पर बस इतना ही है, यहाँ पर इसको टांगने के लिए एक मिलता है। तो अब बात करते हैं भाई इस बैग के बारे में, क्या ये बैग आपको लेना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि 409 रुपये आप दे रहे हो, तो 409 रुपये के हिसाब से क्या आपको वैल्यू आपको मिल रहा है, ये देखने वाली बात है ना। क्योंकि 409 रुपये के हिसाब से कभी आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका पैसा भी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, 409 रुपये के हिसाब से बिल्कुल गो फॉर इट है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका जो टंगाने वाला जो हैंडल है ना, उसका आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी टूट सकता है अगर ज़्यादा वजन हुआ तो। बाकी ओवरऑल लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा। तो ऐसा नहीं कि खरीदने लायक नहीं, 409 रुपये के हिसाब से मेरे हिसाब से आपको और ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, बट ज़्यादा वजन ही कैरी नहीं कर पाएगा।